नमस्ते, टेरेस किचन में आपका स्वागत है। आज हम मिलेट और सहजन के पत्ते से बिल्कुल अलग तरह का नाश्ता बनाएंगे। यह बहुत ही हेल्दी होता है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है, तो चलिए इसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ एक कप फॉक्सटेल मिलेट और एक कप चना का दाल लिया था। इन दोनों को मैंने 6 घंटा पानी में भिंगो के रखा। इसके बाद इसे अच्छे से 2 पानी धो लिया और फिर इसका एक्स्ट्रा पानी मैंने निकाल दिया है। सहजन के पत्ते को लिया है, इसके मैंने डंठल को निकाल दिया है, सिर्फ इसके पत्ते को लिया है और फिर इसे भी अच्छे से धो लिया है। और साथ में हल्दी पाउडर, कलौंजी, हरी मिर्च, नमक और तेल लिए हैं। सबसे पहले हम सहजन के पत्ते को बारीक काट लेंगे। मिक्सी के जार में चना दाल डालेंगे और इसमें फॉक्सटेल मिलेट, हरी मिर्च और थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे पीस लेंगे। इसे कटोरे में निकाल लेंगे। इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कलौंजी और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इसे मिक्स करेंगे। यहाँ घोल को इतना ही ज्यादा गाढ़ा रखना है। इसमें बारीक कटा हुआ सहजन के पत्ते को डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। चलिए अब इसे बनाते हैं। अब तवा को गर्म करेंगे, इस पर हम घोल को डालेंगे और इसे फैलाएंगे। इसे 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। देखिए यह ऊपर से ड्राई हो गया है। इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसे पलट देंगे। देखिए यह कितने आसानी से पलट गया है। अब इसके ऊपर भी थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसे दूसरे तरफ से भी 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। देखिए यह दोनों तरफ से पक गया है। अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे। और इसी तरह हम बाकी के भी बनाएंगे। इसे आप आम के अचार के साथ सर्व करें, जिससे इसके खाने का स्वाद दोगुना बढ़ जाएगा। तो लीजिए, मिलेट और सहजन के पत्ते से हेल्दी और टेस्टी नाश्ता तैयार है। धन्यवाद।